मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड का दौर जारी है और इस ठंड के बीच मौसम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान दाना का असर प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बादल छाने लगे हैं, जिससे मौसम में बदलाव का एहसास किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में गुरुवार के दिन अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर देखने को मिला। ये अंतर खास तौर पर इस साल दीपावली से पहले ज्यादा साफ हुआ है, जब गुलाबी ठंड ने प्रदेश के कई हिस्सों में दस्तक दी है। गुरुवार को भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे और जैसे जैसे सूरज ढलता रहा, तापमान में गिरावट के साथ ठंडक भी बढ़ने लगी। सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ग्वालियर में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में रात का न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मंडला में 15.3 डिग्री और छिंदवाड़ा में 16.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में और ज्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। खासकर दीपावली से पहले के मौसम की तुलना में इस बार गुलाबी ठंड पहले से ज्यादा असर दिखा रही है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास जल्दी होने लगा है। मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान दाना का असर साफ तौर पर मौसम में बदलाव का संकेत दे रहा है। गुलाबी ठंड ने प्रदेश के लोगों को ठंड के मौसम का एहसास कराना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट की उम्मीद है। ये स्थिति खासकर दीपावली के समय लोगों के लिए एक नई चुनौती साबित हो सकती है, इसलिए सभी को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है। खास तौर पर बड़े और बुजुर्गों के लिए ये मौसम ज्यादा खराब साबित हो सकता है। दरअसल बीमारियां बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप सभी को सलाह दी जाती है कि बदलते मौसम में अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकलिटी।